एचयूएल के प्राइस चार्ट पर हम मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस से संभावनाओं को तलाशते हैं कि क्या इसमें कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। इसके पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि करीब एक डेढ़ महीना पहले, टू बी वेरी प्रिसाइज ऑन 13th मार्च 2022 को, जब इसमें अचानक 3 दिन तक बाइंग आई थी, तो हम एक वीडियो लेके आए थे और उस वीडियो को स्टॉक्स करके जो प्लेलिस्ट है आपके चैनल में उसमें उपलब्ध है, जिसमें क्या पॉसिबल मूव हो सकते हैं एचयूएल में, क्या अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आई है कि नहीं आई है, उन सारी बातों की चर्चा की गई है। तो एकेडमिक इंटरेस्ट उस वीडियो को देखिएगा कि जो चर्चा की गई और जो अलर्ट सेट करने के लिए मैंने बोला था कि मैं भी अलर्ट सेट कर रहा हूं, आप भी अपने प्राइस चार्ट पे अलर्ट सेट कर दीजिए। तो दोस्तों उसे आप देखिएगा जरूर कि जब हम एडवांस में कोई टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो जैसे एचयूएल के शेयर पे की गई, स्टॉक मार्केट के बेहतर पकड़ में रहते हैं और जो आने वाली अपॉर्चुनिटी है उसको पहले से असेस करने की कोशिश करते हैं। वो सत्य साबित होगी नहीं होगी ये अलग विषय है दोस्तों, लेकिन अगर वो एंटिसिपेशन जो किया गया है कि मार्केट का क्या एक्सपेक्टेड मूव हो सकता है और उसके बाद में जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें प्रॉफिट की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो चलिए मंथली प्राइस चार्ट को पहले देखते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिए कि रीसेंट टाइम में इसमें ओवर 33% का ड्रॉडाउन देखा गया, वन ऑफ द मेजर करेक्शंस बोल सकते हैं इस डिफेंसिव स्टॉक में एचयूएल के शेयर पे। अब पिछले बार जो एनालिसिस की गई थी, हम मार्च महीने में एनालिसिस कर रहे थे, वो मंथ कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन यहां पर पिन बार का फॉर्मेशन ईएमए 55 पे हो रहा था, एक पॉजिटिव साइन के रूप में देखा गया था। इसके अलावा यहां पर अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, तो दोस्तों मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूं, आप देखिए प्राइस का यहां सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, और वही प्राइस सपोर्ट ले रही थी जो एक कॉन्फ्लुएंस था ईएमए 55 का। हमने दोस्तों साथ में क्या चर्चा की कि जब इसमें डीपर करेक्शन होता है तो ये ईएमए 55 पर सपोर्ट लेता है, ये हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन बोलते हैं एचयूएल के शेयर पे मंथली प्राइस चार्ट पर जब हम देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब यहां पर मार्च मंथ की समाप्ति हो गई, पिन बार कंप्लीट हो गया, नियरली आइसक्रीम बार जैसा फॉर्मेशन बना जिसका इंटरप्रिटेशन मोरलेस पिन बार जैसा ही होता है। अब करंट मंथ में अप्रैल महीने में एक बाइंग आती हुई नजर आ रही है जो एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन दोस्तों अप्रैल महीना अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो ये हम बोल सकते हैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के कि ये देखिए 1800 से लेकर, मैं इसको फाइन ट्यून कर रहा हूं, यहां प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन है, यहां सपोर्ट है, तो 1800 से लेकर 1900 एक बहुत सिग्निफिकेंट डिमांड जोन के रूप में हम स्टॉक में देख सकते हैं। अब ये बोल सकते हैं इस जोन में प्राइस आएगी तो उसमें बाइंग आने की संभावना है। क्या हम कुछ और कंफ्लुएंस देख सकते हैं, तो मैं एक ट्रेंड लाइन खींच रहा हूं, इसे ध्यान से देखिएगा, ये मैंने ट्रेंड लाइन खींची, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करते हैं, ये देखिए प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया और यहां भी मार्च 2020 में पिन बार का फॉर्मेशन बना। क्या बात है दोस्तों, मार्च में पिन बार का फॉर्मेशन एचयूएल में करता है, ये तो आज कोइंसिडेंस है या ऐसा करता है, ये हम हिस्टोरिकली देख सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों ये सिग्निफिकेंट है कि अगर हम रिट्रेसमेंट की एनालिसिस करें तो प्रायर गिरने वाली जो वेव है वो मेजर डाउनसाइड की वेव थी। अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो हम क्या पाते हैं दोस्तों कि यहां पर एक 2220 से 2030 का जो बैंड है यहां पर एक संभावित रेजिस्टेंस इसको मिल सकता है। यहां पे मैं एक डॉटेड लाइन खींच देता हूं और इसको मैं एक्सटेंड करता हूं तो लगता तो है दोस्तों क्योंकि तो प्राइस का पहले भी रिजेक्शन था, यहां रिजेक्शन था, तो हम एक और डॉटेड लाइन खींचते हैं ताकि जब लोअर डाउन दी प्राइस चार्ट में चले टॉप डाउन अप्रोच के माध्यम से तो हम उसे समझ सके। तो यहां पर ये हम देख सकते हैं कि ये जो जोन है 2220 से लेकर 2300 का बैंड, तो ये जो बैंड है 2220 से 2300 का, ये एक सप्लाई बैंड के रूप में नजर आ रहा है
बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। और वैसे भी ये 38.2% एक गोल्डन रेशियो का रिट्रेसमेंट लेवल है, डेरिवेटिव है, तो ये एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा। लेकिन जब ये सप्लाई बैंड से प्राइस निकल जाएगी तो बहुत आसानी से ये 2450 तक जाने की क्षमता रखता है। चलिए बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट में और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। अब वीकली प्राइस चार्ट में यहां देखिए प्राइस ने ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन किया, इसे मैं प्राइस चार्ट में मार्क करना चाहूंगा। यहां देखिए दोस्तों, ये टिपिकल अक्यूमुलेशन बैंड हम इसे बोल सकते हैं, और इस प्राइस एक रेंज बाउंड रही, वो रेंज थी 1920 से लेकर ये रेंज था दोस्तों समथिंग अराउंड 2100 के आसपास। अब यहां देखिए इस रेंज का ब्रेकआउट हो गया है, इसका मतलब इस जोन में ऐसा लग रहा है कि स्मार्ट मनी फ्लो होती हुई नजर आ रही है इसमें। अब यहां पर देखिए लास्ट वीक की कैंडल को ध्यान से देखें तो एक बेरिश कैंडल है, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट बेरिश कैंडल नहीं है, केवल ये इंडिकेट करती है कि प्राइस का रिजेक्शन यहां से हुआ है इस डॉटेड लाइन से, और जो EMA 21 का कॉन्फ्लुएंस है, ये अभी हमने चर्चा की, ये डॉटेड लाइन मंथली चार्ट में ड्रॉ की और वहीं से प्राइस का रिजेक्शन नजर आ रहा है। अब यहां पर हम और क्या देख सकते हैं कि इस जगह पे अगर ध्यान से देखें तो मैं एक और ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करता हूं। ये देखिए प्राइस का मल्टीपल यहां पर, ये देखिए प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और इसका यहां ब्रेकडाउन हुआ, तो अब अपसाइड मूव में ये जो ट्रेंड लाइन है ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के रूप में साबित होगी। और ये ट्रेंड लाइन कहां इंटरवीन कर रही है, जो हमने सप्लाई जोन मार्क किया मंथली चार्ट पर, ये दो डॉटेड लाइन के द्वारा उस जोन में कर रही है, तो और भी कंफर्म हो जाता है कि ये सप्लाई जोन के रूप में एक्ट करेगी। और यहां पर EMA 21, EMA 55 का कहीं ना कहीं इंटरवेंशन भी है, जो अपने आप में एक डायनेमिक रेजिस्टेंस ग्रुप में एक्ट करेगी। तो अब क्या दोस्तों इसमें पॉसिबल क्या नजर आ रहा है, तो इसको फर्दर समझने के लिए रीसेंट प्राइस एक्शन को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए डेली प्राइस चार्ट पर चलते हैं, HUL के शेयर पर। तो यहां पर देखिए दोस्तों, जब लास्ट टाइम हम चर्चा कर रहे थे उस समय पे ये लगातार 3 दिन तक बाइंग आई थी और गैप अप ओपनिंग होती हुई नजर आई थी, और उस वक्त में बोला गया था ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर कि ये डाउन ट्रेंड मोड में आ चुका था, तो अब हमें कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न की आवश्यकता है। तो क्या पॉसिबिलिटी दर्शाई गई थी, दो पॉसिबिलिटी दर्शाई गई थी अगर आपने उस वीडियो को देखा है, कि पहला कि ये जो पहला पुल बैक है इट माइट बी सोल्ड आउट, इसमें सेलिंग ऑफ होगा और फिर प्राइस इस लेवल को टेस्ट कर सकती है। वैसे ही कुछ हुआ, प्राइस ने इस लेवल को टेस्ट किया और फिर एक मैसिव इंपल्सिव वेव का फॉर्मेशन बना। तो यहां पर देखिए मल्टीपल बॉटम का जो अपेक्स था, इसको हम थोड़ा फाइन ट्यून करते हैं, ये देखिए अपेक्स का ब्रेकआउट हुआ और प्राइस में रिसेंट टाइम में थ्रोबैक हुआ। तो अब ऐसा लग रहा है दोस्तों कि कुछ पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। अब इसके बाद हमने एक और क्या डिस्कशन किया था कि ये डबल बॉटम के अलावा एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, और वो पॉसिबिलिटी बनती है, चलिए ये ट्रेंड लाइन को खींचते हैं। ये देखिए ट्रेंड लाइन को हमने यहां पर खींचा कि इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है तो और संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी कि इसमें एक वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। देखिए इसका मैंने उस समय भी बोला था कि आप भी अलर्ट सेट कीजिए, मैं भी अलर्ट सेट करता हूं, तो मैं तो अलर्ट सेट करके रखा था और अलर्ट ट्रिगर हुआ है, इसलिए ये वीडियो का आप निर्माण कर रहे हैं और आपके समक्ष इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए इसका ब्रेकआउट होने के बाद अब ये जो काउंटर ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही थी, अब पॉसिबली ये एक सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रही है। हम यहां पर क्या देख सकते हैं, करेक्शन हुआ और इसके बाद 12 अप्रैल की कैंडल एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन है और उसके बाद फॉलो थ्रू है, गैप अप मार्केट ओपन होता है और उसमें बाइंग आती है। इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों, कि कहीं ना कहीं डाउनसाइड मोमेंटम का डिमिनिशिंग इफेक्ट हम इसमें देख सकते हैं। रिवर्सल चार्ट पैटर्न में मिल गया, अब ये काउंटर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिल गया, तो अब इसमें एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने की संभावना है। ऑल्दो प्राइस जो है एक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के सप्लाई बैंड के पास पहुंच रही है, लेकिन पॉसिबिलिटी उसके अपसाइड के ब्रेकआउट की बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आपको एक स्टैटिस्टिकल एज देता है, और स्टैटिस्टिकल एज का तात्पर्य है कि आप एक वैल्यू जोन में बाई करते हैं
वो हमेशा आपके ट्रेड सफल नहीं होंगे, आपका निवेश हमेशा सफल नहीं होगा। लेकिन जब हम वैल्यू जोन में बाई करते हैं मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस को चेक करके, तो यहां पर संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करने की। तो यहां देखिए रिस्क कितना छोटा है। इसने रिसेंट टाइम में जो लो बनाया, ये था लो था 1901 का, तो 1900 से अगर हम स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखें और यहां पर हम एंट्री करें, तो ये काउंटर ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट हुआ है, इस आधार पे अगर हम टारगेट को निकालने की चेष्टा करें, ये देखिए मैं पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से इसे प्रोजेक्ट करता हूं, तो इसका अगला टारगेट, तो इसका पहला टारगेट जो है 2350 के पास में आता है, और उसके बाद 2500 का टारगेट निकल के आता है। अब टारगेट हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हमेशा एक मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव होते हैं। बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कि हम ट्रेंड को राइड करें और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले जाए जैसे जैसे मार्केट इमर्ज होता चला जाए। तो यहां पर दोस्तों जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। ये देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जहां प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन है, तो वो भी ये 2095 से 180 नीचे अपने स्टॉप लॉस को रख सकते हैं, और वो स्टॉप लॉस जो डायनेमिक सपोर्ट है EMA 21 का, उसके नीचे भी आएगा और एक ट्रेड की संभावना को देख सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग पोजिशनल व्यू लेना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं, उन्हें 1900 के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 5-10 रुपए, ताकि वो ट्रेंड को प्रॉपर तरीके से राइड कर सके। क्योंकि दोस्तों जब प्राइस में ट्रेंड रिवर्सल होता है, किसी भी शेयर में जब ट्रेंड रिवर्सल होता है, जैसे HUL के शेयर में हमें नजर आ रहा है, तो उस समय पे वो मार्कअप फेज में जस्ट वो एंट्री कर रहा है और ट्रेंड जस्ट फ्रेश चालू हुआ है, तो कई इंपल्सिव वेव का फॉर्मेशन आने वाले समय में होने की संभावना है। तो यहां पर टारगेट जो भी निकलते हैं ये नोशनल होते हैं और इसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, और इसीलिए प्राइस कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती है। तो दोस्तों मैं इसको फॉलोअप वीडियो इसीलिए बनाना चाहता था क्योंकि जब 13 मार्च का वीडियो आया था उस समय पे 11 मार्च को जो वीक की समाप्ति हुई थी उसके आधार पर एनालिसिस की गई थी, उस वीडियो को स्टॉक्स करके जो प्लेलिस्ट है आपके चैनल पे उसमें आप जरूर सर्च करके देखिए और उसको एकेडमिक इंटरेस्ट से देखिए कि क्या क्या बातें उसमें चर्चा की गई थी, क्या HUL के शेयर ने वैसा किया है। अगर आपको लगता है वैसा किया है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स की मैं आशा करूंगा, और इससे स्टॉक मार्केट के बिगनर्स को एक एनालिसिस करने की प्रोसेस, एक जानकारी मिलेगी, और यही पर्पस है आपके इस चैनल का, ये मल्टीपल स्टॉक एनालिसिस के वीडियो बनाने का। साथ में ट्यूटोरियल वीडियो की प्लेलिस्ट है जीरो टू हीरो के नाम से, जिसमें आप घर बैठे सारी जानकारी ले सकते हैं और सीख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ढेर सारे लाइक कीजिएगा, आपके कमेंट्स का मैं कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट कर दें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।